21 मार्च के दिन दिल्ली मेट्रो में होली खेलने और रील बनाने वाली ये दो लड़कियां तो आपको याद ही होंगी, और सिर्फ मेट्रो ही नहीं, उसके बाद एक स्कूटी पर भी ये दोनों लड़कियां रील बनाते हुए दिखी थी, और इसी कारण इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तारी के साथ साथ इन्हें लगभग 80,000 रुपए का फाइन भी देना पड़ा। तो वैसे में सवाल ये है कि क्या रील बनाने पर आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? आईटी एक्ट के किन किन धाराओं के तहत आप पर हो सकती है कार्रवाई, आइए जानते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नवमी और आप देख रहे हैं अनकट। होली के मौके पर नोएडा की दो महिलाएं अपनी रील बनाने के तरीके की वजह से बहुत वायरल हुई। एक वीडियो थी दिल्ली मेट्रो की, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को रंग लगाते हुए रील बना रही थी। दूसरी वीडियो थी चलती स्कूटी पर, जिसमें ये दोनों एक दूसरे को रंग लगा रही थी, और इसके अलावा थी एक तीसरी वीडियो भी, जिसमें इनमें से एक महिला स्कूटी पर स्टंट करते हुए नीचे गिर गई। अपनी इस हरकत की वजह से इन्हें पुलिस ने अरेस्ट भी किया और साथ ही करीबन 80,000 का जुर्माना भी इन्हें देना पड़ा। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स ने जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों महिलाओं पर 8 अप्रैल को नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो पुलिस स्टेशन में आईपीसी के सेक्शन 294 और मेट्रो रेलवे एक्ट के सेक्शन 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। और सिर्फ ये महिलाएं ही नहीं, इसके अलावा अभी हाल ही में दिल्ली के एक फ्लाईओवर पर पूरे ट्रैफिक को रोककर एक शख्स ने रील बनाई, जिसके बाद उसे दिल्ली पुलिस ने पकड़ा भी और उस पर अच्छा खासा जुर्माना भी लगाया। लेकिन बात ये है कि आजकल लोगों के सिर पर रील बनाने का भूत बहुत ही बुरी तरह से सवार हो चुका है। सोशल मीडिया से लोग इस तरह से अडिक्ट हो चुके हैं कि सही क्या है और गलत क्या, इसका फर्क करना भी सब भूल गए हैं। देखा जा रहा है कि रील बनाने के चक्कर में अब लोग सारी हदें पार कर रहे हैं, वायरल होने के चक्कर में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ तक कि वो चीजें भी कर रहे हैं जिसकी इजाजत कानून नहीं देता। लेकिन बाद में फिर इसकी पेनल्टी भी उन्हें चुकानी पड़ती है, कुछ लोग अरेस्ट हो जाते हैं और वहीं कुछ को भरना पड़ता है फाइन। अब जिस तरह से रील बनाने का ये एडिक्शन बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आपके लिए कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि रील बनाने के दौरान अगर आप कुछ ऐसा कंटेंट शेयर कर दें जिसकी कानून आपको इजाजत नहीं देता, तो ऐसे में आप पर पुलिस द्वारा एक्शन लिया जा सकता है, यहाँ तक कि आपको पुलिस अरेस्ट भी कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि आईटी एक्ट के किन किन धाराओं के तहत आप पर हो सकती है कार्रवाई। हमारे देश में हर चीज को लेकर पहले से ही नियम और कानून बनाए हुए हैं। कोई शख्स अगर कोई भी काम करता है तो उसे नियमों का पालन करते हुए ही वह काम करना पड़ता है। अब जैसे कि आजकल लोग सोशल मीडिया पर किसी भी टॉपिक को लेकर रील बनाते हैं और उसमें अपने हिसाब से किसी भी तरह का कंटेंट डाल देते हैं, लेकिन भारतीय कानून के तहत अगर आप रील के द्वारा कुछ इलीगल कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आप पर आईटी एक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है। अगर बात करें आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A की, तो आईटी एक्ट का सेक्शन 67 और 67A सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार का अश्लील कंटेंट रेस्ट्रिक्ट करता है। अगर आपने इस तरह का कोई भी कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो ऐसे में आपको 5 से 7 साल की जेल भी हो सकती है, और साथ ही आपको 10,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इनफैक्ट आईटी एक्ट के सेक्शन 67 और 67A के तहत ना सिर्फ अश्लील कंटेंट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रोविजन है, बल्कि कोई इंटरनेट पर अश्लील कमेंट करता है या अश्लील कंटेंट या कमेंट को लाइक करता है या उसे शेयर करता है तो भी उसे इन धाराओं के तहत अपराधी माना जाएगा। तो ऐसे में अगर आप कोई भी रील, वीडियो या फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर रहे हैं जो कि कानून द्वारा रेस्ट्रिक्टेड है, या ऐसी किसी ऑनलाइन कंटेंट को लाइक या शेयर कर रहे हैं जो कि ऑब्सीन यानी अश्लील है, तो आपको सेक्शन 67 और 67A के तहत सजा हो सकती है। आईटी एक्ट से जुड़ी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहें अनकट।